हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय किचन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मेरी मम्मी की बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स, जो कि मेरी मम्मी सालों से यूज कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताई हैं, मैं भी अब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ शादी के बाद। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से दूध की मलाई से आप वाइट मक्खनी तो निकाल ही सकते हैं, उसके बाद आप घी निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ जो उसके बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं उससे किस तरीके से खोया निकाला जा सकता है, साथ ही साथ पनीर और दही भी जमा सकते हैं। तो ये पांच चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि अब तक आप वही गलतियां करते आए थे, तो ये वीडियो देखने के बाद तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये मिस्टेक्स आप कभी दोबारा नहीं करेंगे। और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। अगर पसंद आए तो दूसरों में भी शेयर करना, क्योंकि ऑफकोर्स बाय प्रोडक्ट्स को आप वेस्ट क्यों जाने दें जब हम उनसे इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने रेगुलर सेटअप पे नहीं हूँ, आप देख सकते हो मेरे किचन में ही, तो मैं यहाँ नेचुरल लाइट में ही शूट कर रही हूँ। गेट के यहाँ से सीधा लाइट आती है, तो थोड़ा सा अवेयर करना अगर बाहर की साउंड या कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखता है इस वीडियो में थोड़ा सा। तो फोकस करेंगे सिर्फ हम सिर्फ नॉलेज पर। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, मेरे पास है ये, जिसमें कि मैं अपना जो भी मलाई रहती है मैं इसमें अपना स्टोर करके रखती हूँ। तो मैं इसके हिसाब से चलती हूँ। जिस तरीके से आप जो भी बर्तन में रखते हो स्टोर करके अपनी मलाई को, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास में थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो फिल्म करूँगी, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मिक्सी में मैंने एक जार ले लिया है, आप जार अपने हिसाब से ले सकते हैं, बड़ा या छोटा। उसके बाद में मैं थोड़ी थोड़ी सी मलाई इसमें डालती जा रही हूँ। क्वांटिटी एकदम से ज्यादा ना रखें, क्योंकि मोटर पे लोड पड़ सकता है। तो मैंने इतनी इसकी क्वांटिटी सिर्फ रखी है, आप कम ज्यादा अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी मुझे अभी ही ये थोड़ी सख्त लग रही है, तो मैं थोड़ा पानी अभी डाल दूंगी, देख सकते हो, बस मैंने इतना सा पानी डाला है। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सी में चलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो, मैंने जिस कंसिस्टेंसी में डाला था ये थोड़ी सी थिक इस तरीके की थी, और अब आप देख सकते हो पानी डाल करके मैंने इसको 2 मिनट के लिए चलाया और ये कुछ इस तरीके से बन गई है, देखो। अब हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि ये बिल्कुल वाइट मक्खन जैसे होती है, जो वाइट मक्खनी होती है, जो हमें अमरीक सुखदेव में वाइट मक्खन खाने मिलता है पराठों के साथ में, जब तक ये उस तरीके से नहीं हो जाती, इसकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं हो जाती, और जब तक ये पूरा पानी जो है ये अलग छोड़ नहीं देती, तो तब तक हम चलाएंगे इसे। तो अब आप देख सकते हो इसको और थोड़ा सा 1 मिनट चलाने के बाद में ये वाइट मक्खन जो है, मक्खनी जिसे हम कहते हैं, ये बनकर के बिल्कुल रेडी है। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप देखो मैंने चम्मच पे थोड़ा लेकर के इसको ऐसे कर दिया है और ये नीचे नहीं जा रही है। तो जैसे आप इसको भी करके देखिए, अगर ये नीचे नहीं जा रहा है इस तरीके से मक्खन जो है और पानी अलग हो रहा है, इसका मतलब है ये वाइट मक्खनी जो है ये बिल्कुल बनकर के रेडी है। पानी आप देख सकते हो बिल्कुल इससे अलग हो गया है। तो ये जो पानी या दूध आप जैसे बोल सकते हैं ये अलग हो गया है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको दूध को फेंकना नहीं है। यूजुअली क्या करते हैं, बहुत लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, इस मखनी को और इस दूध को हम अलग कर देंगे। तो मखनी को अलग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कढ़ाई का, जिसमें आप घी बनाएंगे। तो मैं आज इसमें नॉन स्टिक पैन में घी बना रही हूँ, इस नॉन स्टिक कढ़ाई में। आप जो भी आप यूज करते हो आप उस कढ़ाई में निकाल सकते हैं। मखनी अलग करने के लिए मैं अपने हाथों से ही इसको निकाल लेती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि अब इसका पानी जो है इसमें अलग हो गया है, या आप इसे दूध भी बोल सकते हो, और हमने वाइट मक्खनी जो थी सारी हमने इसमें निकाल ली है। ओके, सो मैंने सेम प्रोसेस करके सारी मखनी कुछ इस तरीके से इसमें निकाल दी है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी फ्लफी हमारी मखनी जो है वो बनी है, और सारा इसका जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाल करके जो दूध हमारा वापस से कलेक्ट हुआ था,
मैंने इसी बर्तन में उसको कर लिया है, सो दैट बहुत ज़्यादा बर्तन ना हमें यूज़ करने पड़े, क्योंकि इसके बर्तन जो है बहुत चिकने हो जाते हैं। तो इसको मैंने इसी मलाई वाले जो कंटेनर एक मेरे पास था इसमें मैंने कलेक्ट कर लिया। तो इसमें से थोड़ी सी मखनी आप बचा करके रख सकते हैं अगर आप पराठों के साथ में खाना पसंद करते हैं। सो गाइज, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बार बार मेरा कैमरा जो है वो ऑफ हो जाता है क्योंकि इसमें वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला कुछ है कि वो बाद में डिटेक्ट कर लेता है, अगर बहुत ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर हो जाता है तो वो रिकॉर्ड नहीं करता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से कि मैंने इसको, आप देख सकते हो कि गैस पर चढ़ा दिया है, मैंने गैस ऑन कर दी है और अब ये जो है ये देखो आप बॉयल होना शुरू हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ये बॉयल होना शुरू हो गया है। मैं कैमरा का सेटअप जो है लगा देती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कितनी फुटेज जो है इसकी रिकॉर्ड कर पाएगा कितनी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आइडिया आपको दे देती हूँ। अगर आप मीडियम से फ्लेम पर अगर आप रख रहे हो तो आपको 15-20 मिनट्स लग सकते हैं। ये आपकी मखनी पे भी डिपेंड करता है, कम मखनी है बहुत जल्दी टाइम में हो जाएगी, ज़्यादा मखनी है तो थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि कैसे रहता है। सो जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से ऊपर से इसमें कुछ झाग आ जाने लग जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये झाग क्यों आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें निकालेंगे नहीं तो ये बॉयल होकर के ऊपर से निकल जाएगा जैसे चाय निकल जाती है। तो आपको क्या करना है कि जिस कंटेनर में आपने ये दूध कलेक्ट किया था उसी कंटेनर में आपको ये जो झाग आ रहे हैं सिर्फ ऊपर से झाग ही आपको कलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हो ये जो झाग है सिर्फ मखनी को नहीं करना है, ऊपर से ये जो झाग आएंगे आपको सिर्फ ये झाग ऊपर से इस तरीके से कलेक्ट करनी है। तो जैसे ये जो झाग आते रहेंगे बस इनको कलेक्ट करते रहना। मीडियम लो या हाई फ्लेम किस पे करना है या आपकी अपनी इच्छा है, लो फ्लेम पे करोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हाई फ्लेम पे करोगे तो बस इसको थोड़ा चलाते रहना है और जितने भी इसमें झाग आते रहेंगे उनको सेपरेट करके बस एक बर्तन में निकाल लेना है, सेम इसी बर्तन में जिसमें हमने ये दूध निकाला था, बस इतना सा ही ये प्रोसेस करना है आपको। उसके बाद में मैं, जब आप देखेंगे कि मखनी जो है पूरी मेल्ट हो जाएगी और जब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा इसका मतलब है कि घी बन गया है, तो आपको ये बंद कर देनी है गैस। तो मैं दिखाऊंगी आपको पूरा प्रोसेस होपफुली कि कैसे क्या रहेगा। फिलहाल के लिए इसको पहले हम बॉईल कर लेते हैं, मैं कैमरा अभी ऑफ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। आप देख सकते हो कि मैंने घी को हाई फ्लेम पे चढ़ाया हुआ है और मैं अभी भी इसके जो साइड में इस तरीके से आ गए हैं, देखो मैं चम्मच से इसको कॉर्नर करके और वहीं से इन झागों को उठा रही हूँ और उस कंटेनर में ही डालती जा रही हूँ। तो ये कंटेनर मेरा भर गया है, तो अब मैं दूसरे इस कंटेनर में जिसमें और मेरी मलाई थी इसमें मैं डाल रही हूँ, तो इसको साइड कर देते हो, और जो दूसरा कंटेनर है इसमें भी मैं डाल रही हूँ। आप देख सकते हो दोनों भर गए हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें ये जो साइड से ऐसे झाग जो है वो आते जाएंगे, तो आपने जब तक ये आते जाएंगे पूरा रिमूव करते जाना है, इसको निकालते जाना है। मैं हाई फ्लेम पे बना रही हूँ, अगर आपकी कढ़ाई नॉनस्टिक की नहीं है तो आप बीच बीच में से ऐसे इसको चलाते जाएं ताकि ये नीचे लगे ना आपका घी जो है, या फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखें। तो देख सकते हो आप, मैंने फ्लेम जो है वो बहुत हाई की हुई है, हाई फ्लेम पर मैंने इसको चलाया हुआ है और आप देख सकते हो कॉर्नर में आपको थोड़ा सा घी जो है वो निकलता, मैं और क्लोजली अगर दिखाऊं तो घी जो है आपको निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। बीच में जब आपको इस तरीके से ये इकट्ठा होता नज़र आने लगे इसके 2-3 मिनट के अंदर ही घी जो है वो बन जाएगा, क्योंकि हम इतनी देर से हमने इसे चलाया हुआ था, तो इसके बाद आप इसे बंद कर दें, जो इसका एक हॉटनेस का एक जो टेम्परेचर है वो सेट हो चुका होगा, तो इसको बंद कर देंगे फ्लेम को इसके 3-4 मिनट के अंदर ही। आप देख सकते हो ध्यान से कि कितना इसमें ऊपर से जो है वो घी आपको नज़र आने लगेगा कि ये बन चुका है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होने लगे उसके बाद में आपको इसको ज़्यादा नहीं रखना है, उसके बाद आप इसे हटा देना। तो आप देख सकते हो इसको चलते हुए अब 2 मिनट हो चुके थे और 2 मिनट में ये कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड होना शुरू हो गया है। ये देखो आप, इसमें आपको दिख रहा होगा अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होने लग गया है जो ये मिल्की था, और ये जो साइड में जो चीज़ें हैं ये इसकी निकल रही हैं।
और ये बीच से आप देख सकते हो क्रिस्टल क्लियर जो है पूरा ये आपको नजर आने लगेगा। तो जब ये इस तरीके से पूरा एक सार हो जाए, ये ही एग्जैक्ट सही टाइम है आपको स्विच ऑफ करनी है इसी टाइम पे फ्लेम। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि ये अभी भी उसी तरीके से उबल रहा है। देखो, क्योंकि कढ़ाई जो है गर्म थी तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लेम पे और गर्मी की ज़रूरत नहीं थी। अब ये जो है ये बर्तन की गर्माहट से ही अपने आप पक जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नीचे ये जल गया है, जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हो गया, तो अगर आपको भी लग रहा है ऐसा ये जल गया है तो इसको उठा करके आप दूसरी फ्लेम पे रख सकते हो, सो दैट कि नीचे जो ये पूरा पोर्शन गर्म रहता है वो गर्म ये नहीं रहेगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ा। तो आप देखो कितना क्रिस्टल क्लियर ये एकदम से हो गया है, बिल्कुल सही हमारा घी बन गया है। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसको ठंडा होते आधे घंटा जो था इसको हो गया था, तो अब ये ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब हम इसको जो है अपने कंटेनर में डाल देते हैं। तो घी को डालने के लिए सबसे पहले मैंने प्लेट रख ली है, उसके ऊपर ये बॉक्स डिफिन या डब्बा इस तरीके से रख लिया जिसमें भी आप घी को कलेक्ट करना चाहो, और ऊपर से इस तरीके से मैंने एक बड़ी छलनी लगा दी है ताकि जो भी खोआ होगा वो इसमें निकल जाएगा और टिफिन में सीधा का सीधा हमारा घी निकल जाएगा। अगर बाई चांस घी गिर भी जाता है तो साफ प्लेट में निकलेगा। तो फिर चलो ठीक है, अब घी को इसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। जो हमने खोया बनाया है तो इसका यूज भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं इसको बना करके दिखाने लगी तो इसमें बहुत ज्यादा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। इसका यूज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो इसको हल्का सा इसी पैन में, जिस कढ़ाई में हमने बनाया है इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा डाल करके 2-3 मिनट इसको चलाएं अच्छे से कड़छी से, और उसके बाद में उसमें अपनी पसंद के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं और उसको एक प्लेट में या किसी बड़े कंटेनर में आप जमा सकते हैं और बर्फी की तरह पीसेस कट कर सकते हैं। एक इसका यूज वो है। दूसरा जो इसका यूज है, दूसरा आप इसको इसमें ही छोटी प्याज डाल करके, हरी मिर्च और धनिया मसाले थोड़े डाल करके इसको आप किसी भी पराठे की भरावन में यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका यूज मैं आपको बता दूं तो तीसरा आप इसको किसी भी सूखी सब्जी के साथ में डाल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और अगर आप सर्दियों में इसको यूज कर रहे हैं तो बाहर के रेडीमेड खोए की बजाय जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है गाजर के हलवे के साथ। तो मम्मी जब भी अगर सर्दियों में बनाती थी तो वो हमेशा गाजर के हलवे में इसको यूज करती थी, और ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड टेस्ट नहीं देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि प्रॉपरली ये घर के बने हुए घी का होता है, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, रही बात अगर उसकी तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो कंटेनर था जिसमें कि हमने सारे इसके ये झाग और जो दूध बचा हुआ था उसको अगर हमने कलेक्ट किया था तो इसका क्या करना है, तो अब इसके साथ में हम बनाएंगे पनीर। तो मैं आपको बताती हूँ कि पनीर कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैं सेम कंटेनर, ये जो कढ़ाई थी इसको खाली करके सेम इसी को यूज करूंगी। तो इससे अब हम पनीर बनाएंगे। आप चाहे तो इसकी सेम आप दही भी जमा सकते हैं। दही जमाने के लिए वो ही सेम प्रोसेस है, मैं दही जमा करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं आपको बस इतना बता देती हूँ, दही जमाने के लिए इसमें या जिस भी कंटेनर में आप दही जमाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा, जैसे आप दही जमाते हैं उसको थोड़ा आप गर्म करें, उसके बाद में जो भी दही का छोटा जो आप अलग से निकाल करके रखते हैं खट्टा उसको डाल दें और रात भर के इसको जमने दें। तो उसके बाद आप सुबह देखेंगे तो आपकी दही जो है वो जम जाएगी। उस दही से आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप कढ़ी बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, ऑफकोर्स जैसे आप यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। आज इसके साथ में पनीर कैसे बनाते हैं मैं वो वीडियो में दिखा रही हूँ, सो चलो बनाते हैं। इसके लिए वो ही सेम प्रोसेस रहेगा जो हम आमतौर पर पनीर के लिए यूज करते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, गर्म करने के बाद में इसको विनेगर या फिर नींबू की मदद से जो है इसको फाड़ लेंगे और सेम प्रोसेस से हम पनीर बना लेंगे। शायद हो सकता है कि ये वाला जब आप करें तो नींबू अगर बहुत ज़्यादा जिसमें खटास ना हो, कई बार हो जाता है ऐसा कि नींबू से वो नहीं फटता, मैं इसके लिए आज विनेगर यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप नींबू डालें इसमें, चाहे पूरा नींबू डालें और अगर ये ना फटे
तो इसके लिए आप विनेगर यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पूरा विनेगर डाल सकते हैं, नहीं तो उसको हाफ हाफ डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। यानी कि अगर 2 चम्मच विनेगर है तो 2 चम्मच पानी के साथ में धीरे धीरे वो इसमें सॉल्यूशन मिलाते जाएं और इसे चलाते जाएं। पनीर बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेगा, ये अच्छे तरीके से फट जाएगा। ओके, तो 2 मिनट हो गए हैं, इसमें जो उबाल है वो आ गया है और मैं एक ग्लास में इतना पानी ले रही हूँ, उतना ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी। मैंने इक्वल अमाउंट में ये डाल दिया है और अब मैं एक साथ नहीं डालूँगी, धीरे धीरे इसकी पहले फ्लेम इसकी कम कर देते हैं और धीरे धीरे मैं इसे डालती जाऊँगी और साथ साथ में मिलाती जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। क्लोजली दिखाती हूँ कि ये क्रडल कर गया है। ये देखो, दूध बहुत अच्छे से फट गया है, पूरा पानी अलग हो गया है और पनीर जो है वो हमारा बन करके रेडी है। तो बस अब इसको भी हम छान लेते हैं। फिर से मैंने ये वही वाला बर्तन ले लिया है और इसके ऊपर मैंने जिसमें खोया निकाला था ये छलनी ले ली है। तो अब हमें वही सेम करना है जैसे हमने घी को ट्रांसफर किया था, पूरा पनीर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और सारा जो पानी है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। उसको आपको यूज नहीं करना है, उसको अब आप फेंक सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कोई भी कपड़ा नहीं लगाया क्योंकि ये जो बहुत इसके बारीक और महीन इसमें जो है होल्स थे, अगर आपकी छलनी थोड़ी मोटी है तो आप इसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं। मैं आज डायरेक्टली ही करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतना घी भी निकाल दिया है, साथ में ये खोया भी निकाल दिया है और अब यहाँ पर मैंने पनीर भी निकाल दिया है। तो मैंने पनीर को इस तरीके से रखा, आप कपड़े में भी इसको निकाल सकते हैं, और मैंने ऐसे रखा है, ये छन करके पूरा इसमें जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाएगा और ये पनीर हमारा बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको किसी बॉक्स में रख सकते हैं सो दैट कि ये उसी की शेप ले लेगा, और आप इसको क्यूब्स वाले पीसेस में कट करके भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें इसको ऐसे बनाना तो आप पनीर भुर्जी की तरह भी इसे बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। क्या आपको पहले से ये तरीका पता था ये भी बताएं, अगर नहीं पता था तो ये कितनी वीडियो हेल्पफुल रही, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।